हेलो क्लास फिफ्थ, होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डू एरिया। आज हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू एरिया। तो स्टूडेंट्स, एरिया क्या होता है वो आपको पता ही है। द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। कि किसी भी फिगर के अंदर का जो सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया। जैसे हमारे पास यहाँ पे टू डायग्राम बने हैं, टू सर्कल्स हैं ए और बी। तो इसमें बड़ा कौन सा सर्कल है, सर्कल बी। ओके बेटा, तो इन दोनों का जो एरिया है वो क्या है, जो इन उस बाउंड्री के अंदर का जो ये सरफेस है उसको क्या बोलेंगे हम, एरिया। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ एरिया। तो अब हम यूनिट्स ऑफ एरिया के बारे में पढ़ते हैं। वी मेजर द एरिया ऑफ अ सरफेस इन स्क्वेयर यूनिट्स ऑफ लेंथ। हम एरिया को, किसी भी सरफेस का अगर हमने एरिया मेजर करना है तो जो लेंथ की यूनिट होगी उसके साथ आपने स्क्वेयर लगाना है। ओके, कंसीडर अ स्क्वेयर ईच ऑफ हूज साइड इज ऑफ लेंथ 1 मीटर। स्टूडेंट, जैसे हमारे पास एक ये गिवन स्क्वेयर है, हमने इस स्क्वेयर का जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ स्क्वेयर आपको पता है, आपने अपनी लास्ट 4th क्लास में पढ़ा है। एरिया ऑफ स्क्वेयर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 1 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आ जाएगा इसका एरिया स्क्वेयर का, 1 स्क्वेयर मीटर। स्क्वेयर मीटर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और 1 मीटर स्क्वेयर, मीटर के ऊपर आपने 2 लिख देना है, तो इसका मतलब क्या है, स्क्वेयर। ओके, रिमेंबर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया इज मीटर स्क्वेयर और स्क्वेयर मीटर। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरिंग एरिया वो क्या है, मीटर स्क्वेयर। आपको पता है जो लेंथ की बेसिक यूनिट है वो क्या है, मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, आपने अपनी 4th क्लास में पढ़ा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ स्क्वेयर यूनिट्स। अब आपने यूनिट्स क्या लिखनी है, अगर आपको लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में दी है तो आप सेंटीमीटर लिखोगे, अगर आपको मीटर में दी है तो आप मीटर लिखोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हूज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर। हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप इस तरह से लिखोगे, फर्स्ट आप लिखोगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है, 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो अब लेंथ कितनी है हमारे पास, 15 मल्टीप्लाई 7। अब देखो, जब भी हमने एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके हम यूनिट लिखते हैं स्क्वेयर यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ और ब्रेथ वो सेंटीमीटर में दी है, तो हम लिखेंगे इसको स्क्वेयर सेंटीमीटर। ओके, तो अब 15 7 कितने होते हैं, 105 स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। दस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 105 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट इस स्क्वेयर सेंटीमीटर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, 105 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आप नेक्स्ट इज स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन विच लेंथ इज 2 मीटर एंड ब्रेथ इज 35 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो लेंथ है वो मीटर में दी है, तो आप इस मीटर को पहले किस में कन्वर्ट कर दोगे, सेंटीमीटर में। ओके, उसके बाद आप फिर से फॉर्मूला लगाओगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओके, तो आपने लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्टूडेंट, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम आर 5 मीटर एंड 3.2 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर रूम है जिसकी लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ कितनी है, 3.2 मीटर। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग द रूम एट द रेट ऑफ ₹500 per square meter। स्टूडेंट्स आपने फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग, इस रूम को कार्पेट करने के लिए कितने रुपीज जो लगेंगे, अगर 1 मीटर को कार्पेट करने के लिए हमारे लग रहे हैं 500 रुपीज। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस रेक्टेंगुलर रूम का एरिया फाइंड आउट करेंगे। हम इसको इस तरह से पहले लिखेंगे, लेंथ ऑफ द रूम कितनी है, 5 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रूम कितनी है, 3.2 मीटर। ओके, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम कितना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, आपने फॉर्मूला यूज कर लेना है। अब आपने 5
मल्टीप्लाई 3.2 स्क्वेयर मीटर. ओके, स्क्वेयर मीटर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो और मीटर के ऊपर स्क्वेयर भी लगा सकते हो. ओके, जब आपने 5 से 3.2 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आपका आ गया 16 मीटर स्क्वेयर. तो हमारे पास दी है कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 1 स्क्वेयर मीटर. अगर 1 स्क्वेयर मीटर को कारपेट करने के लिए लिखते हैं 500 रुपीज, तो हमने बताने हैं कि 16 मीटर स्क्वेयर को कारपेट करने के लिए कितने रुपीज लगेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 16 स्क्वेयर मीटर. तो आपने रुपीज 500 को मल्टीप्लाई कर देना है 16 से. अब आप मल्टीप्लाई अपने आप करोगे, जो आपके पास मल्टीप्लाई करके आएगा वो होगी कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 16 स्क्वेयर मीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्टूडेंट, अ फ्लोर ऑफ लेंथ 25 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर हैज टू बी पेव्ड विथ रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर. फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड. तो स्टूडेंट एक रूम है, एक फ्लोर है रूम का, तो उस पे के ऊपर टाइल्स लगानी है. ठीक है, तो हमारे पास रूम की भी दी है लेंथ और ब्रेथ, उसी तरह से टाइल्स की भी दी है लेंथ और ब्रेथ. पर हमारे पास जो टाइल्स है उसकी जो लेंथ और ब्रेथ दी है वो दी है सेंटीमीटर में. तो इसीलिए जो हमारे पास फ्लोर है उसकी भी हम जो लेंथ और ब्रेथ है उसको भी कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में. मीटर को आप कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में. तो जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से. तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ द फ्लोर 25 मीटर. तो 25 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 25 को 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 2500 सेंटीमीटर. इसी तरह से ब्रेथ ऑफ द फ्लोर 20 मीटर. अब 20 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 20 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 2000 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ द फ्लोर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो लेंथ है 2500 सेंटीमीटर. ओके, और ब्रेथ है 2000 सेंटीमीटर. हम इसको लिखेंगे 2500 मल्टीप्लाइड बाय 2000 स्क्वेयर सेंटीमीटर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं. ओके, मल्टीप्लाई आप अपने आप करोगे. ओके, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो हो जाएगी एरिया ऑफ द फ्लोर. ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट हमने अब एरिया फाइंड आउट करना है टाइल का. आप लिखोगे लेंथ ऑफ द टाइल 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द टाइल 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ वन टाइल. एक टाइल का एरिया हमने निकालना है, तो हम लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो आपके पास क्या आ गया, 16 मल्टीप्लाई 5. ओके, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करके जो भी आपके पास आंसर आएगा वो होगी एरिया ऑफ वन टाइल. ओके, अब आपने नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल. स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट वैल्यूज भी लगा सकते हो, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लगाई हैं वैल्यूज लेंथ और ब्रेथ ऑफ द फ्लोर और लेंथ और ब्रेथ ऑफ वन टाइल. ओके, तो स्टूडेंट इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो कि पहले आपने निकाल दिया एरिया ऑफ फ्लोर, तो आपने लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया 50 लाख सेंटीमीटर स्क्वेयर. और उसी तरह से एरिया ऑफ वन टाइल क्या आ गया हमारे पास, जब हमने 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया आ गया आंसर 80 सेंटीमीटर स्क्वेयर. तो अब हमने नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड निकालना है, तो आप लिख सकते हो 50 लाख अपॉन 80. ओके, तो आपने बेटा 10 से 10 काट ली. अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है 5 लाख. ओके, तो स्टूडेंट 5 लाख को आपने 8 से डिवाइड कर देना है. जो डिवाइड करके आएगा वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड. ओके, डिवाइड करके बेटा आपका यही आंसर आएगा. डिवाइड अब आप अपने आप करोगे. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज स्टूडेंट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 72 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ इफ इट्स लेंथ इज 12 मीटर. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमारे पास एरिया दिया है और दी है लेंथ, हमने ब्रेथ जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 72 स्क्वायर मीटर, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है 12 मीटर, और ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ. ओके, तो स्टूडेंट्स आपने 72 को 12 से डिवाइड कर देना है. जो डिवाइड करके आएगा वो आ गई हमारे पास ब्रेथ. तो ब्रेथ क्या आ गई, 6 मीटर. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, एरिया ऑफ अ स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अ स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल हूज लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल. स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा फिगर होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है,
इक्वल. ओके तो स्टूडेंट्स आपको पता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड. तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ बताई है तो हम इसको एल मल्टीप्लाई एल स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हैं. ओके बेटा नाउ फॉर एग्जांपल फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 62 सेंटीमीटर इन स्क्वायर मीटर्स. ओके स्टूडेंट्स आपके पास स्क्वायर की जो लेंथ है वो दी है 62 सेंटीमीटर. आपने एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर मीटर में, मीटर में आपने एरिया फाइंड आउट करना है जबकि आपके पास लेंथ दी है किसमें, सेंटीमीटर में. ओके आप लिखोगे स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ द स्क्वायर कितनी दी है 62 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, 62 मल्टीप्लाई 62. ओके स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर सेंटीमीटर इसलिए लिखा क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया. ओके मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 3844 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके तो स्टूडेंट्स वन स्क्वायर मीटर इक्वल टू किसके होता है, 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर के. ओके और वन स्क्वायर सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/10,000. ओके स्क्वायर मीटर. तो स्टूडेंट हमने एरिया जो है वो स्क्वायर का बताना है किसमें, मीटर में. ओके तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर जो हमारे पास एरिया आया है सेंटीमीटर में कितना आया है, 3844/10,000. ओके स्क्वायर मीटर. तो स्टूडेंट्स अब जब आपको पता ही है कि किसी भी नंबर को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि 10,000 में कितनी जीरो हमारे पास, 1, 2, 3 and 4. तो हम जो हमारे पास न्यूमिनेटर दिया है उसको लिखेंगे पहले हम एज इट इज और फिर हम अपने राइट हैंड साइड से डिजिट काउंट करना शुरू करेंगे. या 4 0 लगी है तो 4 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे, 1, 2, 3 and 4. तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा दो तो आपका आंसर आ गया 0.3844 स्क्वायर मीटर. ओके तो स्टूडेंट इस तरह से आपने एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर का. नेक्स्ट एग्जांपल इज स्टूडेंट फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 64 मीटर. स्टूडेंट आपने स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है, आपके पास क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है. तो जब पेरीमीटर दिया है तो फर्स्ट आप साइड निकालोगे स्क्वायर की. ओके तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप पहले इस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना दिया है, 64 मीटर. ओके तो साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4. क्यों किया हमने डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हमारा जो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड. ओके तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, साइड फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके तो हम लिखेंगे साइड इक्वल टू पेरीमीटर दिया है 64. ओके अपॉन 4, तो 4 16 का कितने होते हैं 64. तो हमारा आंसर आ गया 16 मीटर. जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो कितनी आ गई, 16 मीटर. तो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड. आपने 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आप अपने आप करोगे, जो आपके पास मल्टीप्लाई करके आएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर. नेक्स्ट स्टूडेंट एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर. अगर आपके पास इस तरह के कंबाइंड फिगर हैं 2 या 3, अगर आपके पास यहाँ तो देखो इस गिवन फिगर में 2 रेक्टेंगल्स ही बन रही हैं. ओके फिगर 1 और फिगर 2 दोनों में क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है. और कहीं आपके पास ऐसे कंबाइंड फिगर होंगे जिसमें रेक्टेंगल बनेगी स्क्वायर बनेगा. ओके तो आपने उन क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके तो स्टूडेंट फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंड फिगर ए बी सी डी ई एंड एफ. ओके तो हमारे पास क्या है, एक ये कंबाइंड फिगर ए बी सी डी ई एंड एफ. ओके हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन फिगर है उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 पार्ट्स में. ओके तो इसमें क्या बनी है, जो ये एक पार्ट बना है ये भी एक रेक्टेंगल है और जो सेकंड पार्ट है वो भी क्या बना है, इसका रेक्टेंगल ही बना है. ओके तो हम सबसे पहले करेंगे डिवाइड द फिगर इनटू 2 पार्ट्स एज शोन, जैसे हमारे पास यहाँ दिखाया गया है. तो अब हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ. तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2. ओके तो सबसे पहले हमने फिगर 1 का एरिया फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स तो बेटा आप इसको इस तरह से लिखोगे, पहले आपने लिखना है फिगर 1 इज अ रेक्टेंगल. जो आपके पास ये फिगर 1 दिया है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर. ओके तो आप लिखोगे लेंथ 3 सेंटीमीटर ब्रेथ 1 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ फिगर 1 इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर सेंटीमीटर.
आपकी यूनिट क्या है यहाँ पर, सेंटीमीटर। तो 3 × 1 = 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास जो फिगर 1 है उसका एरिया कितना आ गया है, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड आउट करना है फिगर 2 का एरिया। फिगर 2 जो हमारा ये फिगर 2 है, यहां से देखो, दिस इज फिगर 2। ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल जिसमें जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ओके, तो आप लिखोगे फिगर 2 इज अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ फिगर 2, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 × 2 = 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो फिगर 2 का जो हमारे पास एरिया आ गया है वो कितना आ गया है, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ द गिवन फिगर। जो हमारे पास ये पूरा एक फिगर दिया है, इसका हमने एरिया बताना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2, इन दोनों फिगर्स के हमने एरिया को प्लस कर देना है। तो जो एरिया ऑफ फिगर 1 है वो हमारे पास आया है 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, प्लस फिगर 2 का कितना आया है, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 3 प्लस 8 कितने हो गए, 11। तो 11 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ गिवन फिगर। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक्टिविटी 2 दी है, इस एक्टिविटी को आप अपने आप सॉल्व करोगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम उसे डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू।